हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इंग्लिश मीडियम में भी आप लोगों का पीडीएफ अवेलेबल है और हिंदी मीडियम में भी पीडीएफ आप लोगों के लिए अवेलेबल होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, तो ये वाला जो पीडीएफ है वो आप लोगों का हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। क्वेश्चन आप लोगों को दोनों पीडीएफ में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये आप लोगों का इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ होने वाला है। तो क्वेश्चन तो आप लोगों को दोनों में देखने को मिलेंगे, बस आप लोगों का डिफरेंस क्या है तो डिफरेंस मैं बता देता हूँ। जब आप लोग आंसर पीडीएफ मतलब कि इसी में आंसर पीडीएफ जब ओपन करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों का इंग्लिश में ये आंसर पीडीएफ होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अब देखो दूसरे वाले पीडीएफ में, तो यहाँ पे भी आप लोगों का सेम दे रखा है, मतलब कि जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। बट यहाँ पे जब आप लोग आंसर बैंक देखोगे इसका, तो यहाँ पे देखो तो आंसर बैंक यहाँ पे आप लोगों का हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। तो ये डिफरेंसेस है आप लोगों का। अगर आप लोगों को ये नोट्स पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, आप लोगों को नोट्स पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके अपना नोट्स पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो। तो फटाफट जाओ अपना नोट्स पीडीएफ कलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे तो देख लेते हैं हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी जितने भी थे आप लोगों के सिलेबस में वो लेके आ चुका हूँ। और कुछ क्वेश्चंस जो भी आप लोगों के पीवाईक्यू में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। मतलब कि सिंपल सी बात है, पीवाईक्यू में से मैंने कुछ क्वेश्चन क्यों सेलेक्ट किए हैं, इसलिए सेलेक्ट किए हैं। लाइक पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, अब इसी फॉर्मेट को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, और मतलब कि क्वेश्चन को घुमा देंगे ताकि जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन को मतलब रट्टू तोता बन के ना, क्वेश्चन को रट के भी जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो वो ना करके जाएं। अगर क्वेश्चन आप लोग समझ के जाओगे तो क्वेश्चन को कैसे भी तोड़े मरोड़े आप लोग आंसर लिख दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो इस टाइप में जो भी मतलब कि क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के पूछे जाते हैं वो चीज़ आप लोगों के लिए इस पीडीएफ में लेके आया हूँ। तो बिना स्किप किए आप लोग देख लो, और जिस भी स्टूडेंट का है या फिर जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड ऑन हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कर देना, इससे हमारे को भी एक मतलब सपोर्ट मिल जाएगा और मतलब कि बच्चों को भी सपोर्ट मिल जाएगा जो भी स्टूडेंट का इस पेपर का एग्जाम होने वाला है, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोगों से पूछ रखा है, भारतीय राज्य की प्रकृति और समाज में इसकी भूमिका के बारे में उदारवादी, मार्क्सवादी और गांधीवादी दृष्टि किस तरह से विभिन्न है। मतलब कि इसमें टाइप्स बताने हैं किसके रिगार्डिंग आप लोगों के, ये राज्य की प्रकृति और समाज मतलब कि सोसाइटी, उसमें आप लोगों को उदारवादी, मार्क्सवादी और गांधीवादी, इसके बीच में आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बताने हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक दृष्टिकोण द्वारा समर्थित प्रमुख सिद्धांत और मूल्य क्या है। मतलब कि कुछ सिद्धांत होते हैं किसी भी दृष्टिकोण से, तो वो चीज़ आप लोगों को बताना है, उसका मूल्य क्या है मतलब कि इम्पोर्टेंस क्या है वो आप लोगों को बताना है। और वह भारतीय राजनीतिक और शासन के लिए अपने अपने दृष्टिकोण को कैसे आकार देते हैं। मतलब कि जो भी मतलब कि भारत में राजनीतिक होता है या फिर कहीं कहीं पे मतलब कि शासन होता है किसी और मतलब कंट्री में, तो वो चीज़ किस टाइप से दृष्टिकोण से सही है या फिर गलत है वो चीज़ आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवादी, मार्क्सवादी और गांधीवादी दृष्टिकोण भारतीय संदर्भ में सत्ता की गतिशीलता, सामाजिक अर्थ, आर्थिक संचारों और राजनीतिक परिवर्तन के तकनीकों का अलग अलग विश्लेषण कैसे प्रस्तुत करते हैं। मतलब कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि इन तीनों के दृष्टिकोण के हिसाब से आप लोगों का सामाजिक और आर्थिक के अकॉर्डिंग कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का भारतीय संविधान के मूल्य, सिद्धांत और विशेषता क्या है। मतलब कि जो भी भारतीय संविधान है उसकी सिद्धांत क्या है और उसकी मतलब विशेषता क्या है, ठीक है। मूल्य संचारना माना जाता है और वह समय के साथ न्यायिक व्यवस्था और संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कैसे विकसित होता है। मतलब कि उसमें टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ मतलब कि लॉ है उसको मतलब कि मॉडिफाई करना पड़ता है, मॉडिफाई इन द सेंस मतलब कि उसको और स्ट्रिक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो ये क्वेश्चन है, बीच में बहुत सारा गैप हो गया है तो उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पे पूछ रखा है, मौलिक अधिकारों और निर्देश सिद्धांत के इर्द गिर्द होने वाली बहसों ने भारत में संवैधानिक न्यायशास्त्र और शासन को किस तरह से आकार दिया, विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्र
स्वतंत्रता को राज्य की सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करने में, मतलब कि जो भी आप लोगों का मौलिक अधिकार है उसको, मतलब कि भारत के जो भी शासन या फिर न्यायपालिका है वो कैसे कैसे मॉडिफाई करती है, एंड जो भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है राज्य के अकॉर्डिंग वो भी कैसे कैसे मतलब कि अफेक्ट होती है, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज में मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन और परिवर्तन के संबंध में प्रमुख ऐतिहासिक और समकालीन विवाद और दुविधाएं क्या है, और उन्हें कानूनी और राजनीतिक प्रचलन को कैसे प्रभावित किया है। ओके, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री की प्रमुख व्यक्तियां, शक्तियां, भूमिका और जिम्मेदारियां क्या है, मतलब कि प्रधानमंत्री की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या पावर है, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना होगा। उसके बाद आप लोग देखोगे तो उसके बाद आप लोगों से पूछ रखा है, भारतीय संसद एक विधायी निकाय के रूप में कैसे काम करती है और इसके ढांचे के भीतर जवाबदेही, प्रतिनिधित्व और कानूनों के अधिनियम के लिए कौन से तंत्र मौजूद है, मतलब कि जो भी संसद है उसके रिगार्डिंग आप लोगों को कैसे, मतलब कि वहाँ पे स्ट्रक्चर है, वहाँ पे कैसे मतलब कि लोग एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं या फिर कैसे मतलब कि रूल्स रेगुलेशन है संसद के अंदर, वो बताना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में कानून के शासन को बनाए रखने, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और विवादों को सुलझाने में न्यायपालिका क्या भूमिका होता है, वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति व्यवस्था भारत में सत्ता की गतिशीलता, सामाजिक पदानुक्रमण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कैसे प्रभावित करती है और सामाजिक न्याय और मानता के लिए इसमें क्या निहितार्थ है, मतलब कि जो भी मतलब कि जातिवाद होता है उसके बारे में आप लोगों को इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग लिखना है। ओके, उसके बाद आप लोगों का, भारतीय समाज में आर्थिक असमानताओं, संसाधनों तक पहुंच और राजनीतिक प्रभाव को आकार देने में वर्ग की क्या भूमिका है और यह सामाजिक पहचान के अन्य रूपों के साथ कैसे जुड़ता है, मतलब कि जो भी आर्थिक समस्या होती है देश की, मतलब कि किसी भी स्टेट या फिर कल्चर के अकॉर्डिंग, तो वो आप लोगों को इसमें बताना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का, भारतीय संस्थाओं, कानूनों और सांस्कृतिक मंडकों में पितृसत्ता किस तरह प्रकट होती है तथा यह लौकिक समानता, महिलाओं के अधिकारों और समावेशी शासन के लिए क्या चुनौती प्रस्तुत करती है। ओके, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धर्म और राजनीतिक के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता पर बहस, धार्मिक मामलों के प्रति राज्य की तत्सत्ता और अल्पसंख्या अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन को कैसे संबोधित करती है और इन बहसों के संवैधानिक सिद्धांत और कानूनी व्याख्या को कैसे आकार देती है। ओके, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धर्मनिरपेक्षता ये वाला आप लोगों का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से करके जाना। भारत में पार्टी प्रणाली की प्रमुख विशेषता और गतिशीलता क्या है, जिसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व, गठबंधन की राजनीति और पार्टी प्रतिस्पर्धा और चुनावी परिणामों को आकार देने में विचारधारा, राजनीति, जाति और क्षेत्रवाद की भूमिका शामिल है, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, आप लोग एकदम करके जाना। मैं ये क्वेश्चन जो भी बता रहा हूँ आप लोगों का, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इनको आप लोग एकदम अच्छे से करके जाना है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों के पास टाइम बचता है तो आप लोग बाकी भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, भारत में किसान आंदोलन की प्राथमिक शिकायतें और मुद्दे क्या हैं, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का, हाँ ये वाला क्वेश्चन, मतलब कि चार क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनको तो करके जाने। भारत में पर्यावरण आंदोलन की प्राथमिक चिंतन और उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों का नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप लोग क्या करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके अपना नोट्स कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फटाफट देख लो हिंदी मीडियम में आंसर, ठीक है,
उसके बाद मैं आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में भी आंसर दिखा दूंगा। या फिर एक काम करते हैं, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, वहाँ से अपना मतलब कि जो भी पीडीएफ है वो कलेक्ट कर लो विद इन सम चार्जेस में। तो फटाफट जाओ अपना पीडीएफ कलेक्ट करो और अपना रीड आउट करो, क्योंकि वीडियो से तो मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं देखते, ऑब्वियस सी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए। थैंक यू।